Good morning, student. Myself, Om Prakash Gupta, assistant teacher, Pandibindra. Today, I am welcome to all of you in this video. आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में सेम टॉपिक यूज ऑफ इज एम आर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. पिछले वीडियो में हमने अपने यूज ऑफ इज एम आर में पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दिया था. आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने यूज ऑफ इज एम आर में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे. ठीक है, आइए सबसे पहले हम हिंदी इन इंग्लिश कैसे अपने हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इससे संबंधित जानकारी करते हैं. ठीक है, देखिए इसे हम फॉलो करेंगे इनकी वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को. ठीक है, कैसे इसका क्रम होगा. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो दो तरह के मिलेंगे. ठीक है, एक ऐसा होगा जिसका हम आंसर हाँ या ना में देते हैं, सिर्फ हाँ या ना में, और दूसरे प्रकार होगा उसके हमको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट दे करके ही अपने उत्तर की पुष्टि करनी पड़ती है. तो देखें जो प्रकार फर्स्ट है इसमें देखें सिर्फ हाँ या ना में आंसर कर देते हैं. जैसे लिखा है एक वाक्य है, क्या यह एक कुर्सी है. क्या लिखा है, क्या यह एक कुर्सी है. तो आप कहेंगे हाँ या ना, इसलिए आपको कुछ देना नहीं है. तो देखें इसको हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. सबसे पहले हमको लिखना है वर्ब. अब वर्ब है क्या, जो हमारा यूज ऑफ इज एम आर है उसी को हम वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो वर्ब है इसमें देखें है आया है तो है की इंग्लिश क्या है, इज. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या लिखना हमको, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस. इज दिस. अब क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक चेयर, एक कुर्सी. क्या लिखेंगे, ए और चेयर, सी एच ए आई. ठीक है, उसके बाद क्या वाला है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इंटरोगेटिव मार्क से आपका मार्क्स लगा देंगे. ठीक है, इज दिस अ चेयर. ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देखें, क्या मैं एक अध्यापक हूँ. ठीक है, इसको भी हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना. सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ब. वर्ब है क्या हमारा, हूँ. हूँ की इंग्लिश क्या होती है, एम. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एम. ठीक है, उसके बाद क्या हमारा है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, मैं. मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई. ठीक है, अब थर्ड जगह क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है. क्या है, ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम, एक अध्यापक. ठीक है, तो मैं आई अ टीचर. क्या लिखेंगे हम, और यह क्लास में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन हम लगा देंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, क्या तुम मेरे भाई हो. ठीक है, अब इसे क्या की इंग्लिश करेंगे, सबसे पहले हम वर्ब में. वर्ब हमारा क्या होगा, वो की इंग्लिश क्या रहेगी, आर. क्या रहेगी, आप हम आर लिखेंगे. ठीक है, सेकंड नंबर क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, मेरे भाई. तो माई ब्रदर लिख देंगे हम, माई ब्रदर. ठीक है, लास्ट में क्या हमारा लिखा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ऐसे ही आप शेष जो चार बचे हैं उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है, और भी कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिख करके उनको भी आप ट्रांसलेट करेंगे. तब तक के लिए आप अपने सुरक्षित रहेंगे, अपने वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखते रहेंगे.